एक आवाज जो सुनाई ही नहीं दिखाई भी दे, कभी शरारती बालक के रूप में, कभी शर्मीले नौजवान के रूप में, कभी एंग्री यंग मैन के रूप में, तो कभी एक प्रेमी के रूप में, कभी निर्झर की तरह, कभी पत्थरों से टकराती लहरों की तरह, कभी सर्द कभी गर्म, कभी नर्म कभी सख्त। ये वो आवाज है जिसने अभिनय की बुलंदियों को छुआ है और महानायक की तरह सभी को सम्मोहित किया है। इस आवाज का नाम है अमिताभ बच्चन। भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन, जो न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी दमदार और बेहतरीन आवाज के लिए भी जाने जाते हैं, आज भी फिल्म जगत में उनके कद के समान कोई नहीं है। आज भी बॉलीवुड के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में गिने जाते हैं। अमिताभ की आवाज में कशिश जन्म से है, उनके अभिनय में भी उनकी आवाज का खास योगदान रहता है। सन 1983 में जब कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान वो घायल हुए थे, तब उनके गले में एक छेद कर नली डाली गई थी। उसके बाद उनकी आवाज में मामूली बदलाव आया था, लेकिन आवाज की गंभीरता में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी उनकी आवाज के ऐसे दीवाने मिल जाएंगे जो उन्हें सुनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म जंजीर के सेट पर जब अमिताभ बच्चन और प्राण परस्पर आमने सामने आए, तब प्राण ने निर्देशक प्रकाश मेहरा से कहा था, प्रकाश, ये लड़का अपनी आवाज और बेदती हुई आंखों से आधा मैदान पार कर लेता है। और ये सच भी था, यही खासियत रही है अमिताभ बच्चन की, उनकी आंखों की भी, उनकी आवाज की भी और उनके अभिनय की भी। यही आवाज जब हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला स्वरबद्ध करती है, तब ऐसा लगता है वास्तव में मधुशाला को मधुर कंठ मिल गया हो। और ये बात भी कही जा सकती है कि अमिताभ अपनी आवाज से निर्जीव शब्दों में भी जान फूंक सकते हैं। इसका रहस्य बच्चन परिवार के साहित्य भरे वातावरण में खोजा जा सकता है, जहां अमिताभ का बचपन बीता और वे तमाम कविताओं को सस्वर कविता पाठ करते हुए सुनते रहे। उसी वातावरण ने उनकी आवाज को तराशा और आज उस आवाज की गूंज सात समंदर पार से भी सुनाई देती है। उनकी आवाज से संबंधित कई किस्से सुने जाते हैं। विदेश में रहने वाली गंभीर रूप से बीमार एक भारतीय युवती ने अपने जीवन के अंतिम समय में अमिताभ बच्चन की आवाज में कुछ पंक्तियों को सुनने की मांग की थी। युवती की अंतिम इच्छा को जानकर अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाई, जिसमें उन्होंने उस युवती के लिए कुछ कविताएं और कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाए। ये सीडी उस युवती को भिजवाई गई, तब उसने अमिताभ को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। एक अजीब वाक्या है कि पुरस्कार से सम्मानित फिल्म मार्च ऑफ द पेंगुइन्स को अमेरिका में रिलीज करने के लिए हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मॉर्गन फ्रीमन को अंग्रेजी में डबिंग करने की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अमिताभ बच्चन के अलावा एक और व्यक्ति की आवाज इस्तेमाल की। जब फिल्म के निर्माता निर्देशक ने दोनों की आवाज को एकाग्रता से सुना, तो ये दुविधा उत्पन्न हो गई कि किसकी आवाज को अंग्रेजी संस्करण में लिया जाए। अंततः निर्माता निर्देशक ने यह तय किया कि इन आवाजों को अमेरिका इंग्लैंड में फिल्म समीक्षकों के पास भेज दिया जाए, ताकि वो अपना मत दे सकें। यहाँ भी काफी मशक्कत उठानी पड़ी। कंठ का प्रभाव और स्क्रिप्ट से जुड़े तमाम भावों को पूरे आरोह अवरोह के साथ तालमेल में अमिताभ की आवाज को श्रेष्ठ माना गया। ये हैं अमिताभ बच्चन। सचमुच हम उन्हें आवाज का जादूगर भी कह सकते हैं। वो आवाज जो सुनाई तो देती ही है, साथ ही साथ दिखाई भी देती है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। अमिताभ के पिता कवि हरवंश राय बच्चन और उनका परिवार अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और उनके घर में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता का नियमित पाठ होता था। यह संस्कार ही है कि आज भी अमिताभ गीता रामायण का नियमित पारायण करते हैं। अमिताभ की माता श्रीमती तेजी बच्चन भी हनुमान जी की अनन्य भक्त रहीं। उनकी थिएटर में गहरी रुचि थी। उन्हें फिल्म में भी रोल की पेशकश की गई थी, किंतु उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का विशेष योगदान रहा है। वो हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। उन्होंने कोलकाता की एक शिपिंग फर्म में किराया ब्रोकर की नौकरी भी की, जो बाद में अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए
छोड़ दी। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी, जो 1969 में आई। फिल्म रिलीज होने से पहले मीना कुमारी ने इस फिल्म को देखा था। अब्बास साहब मीना कुमारी का बहुत आदर करते थे। वे अपनी हर फिल्म के ट्रायल शो में उन्हें जरूर बुलाते थे। वे उनकी सर्वप्रथम टीकाकार, समीक्षक, आलोचक हुआ करती थी। ट्रायल शो में मीना कुमारी ने अमिताभ के काम की तारीफ की थी। संघर्ष के दिनों में अमिताभ को मॉडलिंग के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन उन दिनों इस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जलाल आगा ने एक विज्ञापन कंपनी खोल रखी थी। विज्ञापनों में वे अमिताभ की आवाज का उपयोग किया करते थे। प्रति प्रोग्राम 50 रुपए उन्हें मिल जाया करते थे और उस दौर में इतनी सी रकम भी पर्याप्त हुआ करती थी। वर्ली की सिटी बेकरी में आधी रात के समय टूटे फूटे बिस्कुट आधे दाम में मिल जाते थे। अमिताभ ने इस तरह कई बार रात भर खुले रहने वाले कैंपस कॉर्नर के रेस्तराओं में टोस्ट खाकर दिन गुजारे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद 1970 में आई थी। इसकी व्यावसायिक सफलता के बाद लोगों का ध्यान इस शर्मिले लंबे नवयुवक अमिताभ बच्चन की ओर गया। शुरुआत की उनकी कई फिल्मों में उन्हें विचारों में डूबे अकेले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन बाद में एंग्री यंग मैन के रूप में उनकी फिल्मी छवि 1970 के दशक के मध्य बनी फिल्म जंजीर, दीवार और शोले के माध्यम से 1976 की दो फिल्में चुपके चुपके और रोमांस आधारित फिल्म कभी कभी, ये फिल्में अमिताभ की बहुमुखी प्रतिभा की परिचायक रही हैं। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में अमिताभ बच्चन का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा, लेकिन 1988 में शहंशाह के बाद उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई। फिर भी 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में उनकी तीन महत्वपूर्ण फिल्में अग्निपथ, हम और खुदा गवाह सफल हुई। अग्निपथ के लिए अमिताभ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अमिताभ बच्चन ने राजनीति में भी प्रवेश किया, लेकिन वो तुरंत समझ गए कि राजनीति उनके बस की बात नहीं। वो इस खेल के दांवपेच से अनभिज्ञ थे। 3 वर्ष बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया। अमिताभ बच्चन बहुतों के आदर्श हैं, लेकिन उनके आदर्श अभिनय सम्राट दिलीप कुमार हैं। अपने ब्लॉग पर वर्ष 2011 में अमिताभ ने लिखा था, जन्म के लिहाज से वो मुझसे 20 साल बड़े होंगे, लेकिन पेशे में मुझसे 2000 साल आगे हैं। वो मेरे आदर्श हैं और तब से हैं जब से मैंने उनका काम पहली बार देखा। अमिताभ बच्चन के पसंदीदा अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान। साल 2000 में छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति में अपने आप को एक सफल एंकर के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। अमिताभ बच्चन आज भी सक्रिय हैं। पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।